तो दोस्तों Redmi 25 सितंबर को इंडिया में अपना बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन Redmi 8A लॉन्च करने वाला है, जो कि आने वाला Snapdragon के 839 के प्रोसेसर के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाला है, जिसको Redmi ने आज ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है अपने ऑफिशियल पोस्टर के द्वारा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में, और क्या होने वाला इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन, और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की डिजाइन से। तो दोस्तों Redmi 8A में देखने को मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन ग्लॉसी डिजाइन। और उसके साथ ही बात करें स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 6.2 इंच का एक HD+ का डिस्प्ले, जो कि आने वाला है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, और उसी में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि Redmi 8 एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होने वाला है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस आपको 5000 rupees से देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों यह बहुत पहले ही कंफर्म हो चुका था कि स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 439 का प्रोसेसर, जो कि मिड रेंज के प्राइस के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर माना जाता है। और उसके साथ ही बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 5000 mAh की बैटरी, जो कि इस फोन में बहुत ही बेहतरीन पावर बैकअप देने वाला है। सो अगर आप भी एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन खरीदना चाहते थे जो कि बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप दे, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपके लिए एकदम सही चॉइस होने वाला है। और उसके साथ ही बात करें स्मार्टफोन की रियर साइड की कैमरास की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको सिंगल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि प्राइमरी 13 MP के कैमरे के साथ आने वाला है। और उसके साथ ही स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो MIUI 10 को सपोर्ट करने वाला है। और फाइनली बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन की स्टार्टिंग प्राइस आपको 5000 rupees देखने को मिलने वाला है, जो कि 2GB RAM 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाला है। और उसके साथ ही 3GB RAM 32GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइसिंग 7000 rupees के अराउंड देखने को मिलने वाला है। फाइनली बात करें स्मार्टफोन के रिलीज डेट की, तो दोस्तों आज Redmi ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि स्मार्टफोन को 25 सितंबर को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों यही थे स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म लीक्स और रूमर्स, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके संग शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।